बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल जवेद वाइस में मैं अपने तमाम सुनने और देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की अपडेट राशन रियायत प्रोग्राम के हवाले से है कि इसकी सब्सिडी जो आर्जी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने बंद किया था, जो अब फ्री आटा स्कीम की वजह से माह रमज़ान में अब हुकूमत पाकिस्तान इसको दोबारा शुरू करने जा रही है और इसकी रजिस्ट्रेशन भी दोबारा की जा रही है, जिसका ऐलान 10 मई का कहा गया है। और इसकी तमाम तफसील सुनने देखने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल जवेद वाइस को सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करना और वीडियो को आखिर तक देखना, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप तक मालूमात भी पहुंच सके। शुक्रिया। साथ राशन रियायत प्रोग्राम जो सबका हुकूमत ने शुरू किया था, तो इस हुकूमत ने फ्री आटा की वजह से बंद कर दिया था, अब इसको दोबारा शुरू करने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान। 81-23 इसहास प्रोग्राम, शनाख्ती कार्ड, चेक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू कर रही है हुकूमत पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान ने इसहास राशन रियायत प्रोग्राम को दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया है। आपको हर माह राशन प्रोग्राम की सब्सिडी 4500 रुपये हासिल कर सकते हैं आप। हुकूमत पाकिस्तान जो आपको सब्सिडी देगी वो 2000 रुपये नहीं होगी और अब जो मिलेगी वो 4500 रुपये होगी। ये प्रोग्राम 10 मई 2023 से शुरू किया जाएगा। हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू नहीं किया, लेकिन 81-23 के ज़रिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 81-23 पर भेजें, वो आपको 10 मई के बाद जवाब देंगे। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल जवेद वाइस को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर भी क्लिक करना, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।